हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज कई दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरी आईज़ में इन्फेक्शन हो गया था और जिसके कारण से ना पूरी रेड रेड सी पड़ गई थी और उसके कारण मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि मेरी आईज़ में ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और उसके चलते ना मुझे बहुत पेन भी हो रहा था। इवन मुझे आँख खोलने में भी दिक्कत हो रही थी और अभी भी थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी और अभी हम लोग घर से निकल लिए हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार है तो चारों तरफ रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन दोनों की ही धूम मची हुई है एक्चुअली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। हस्बैंड जी आज छुट्टी पर हैं तो साथ में लेकर के जा रहे हैं। शाम का टाइम है, वेदर भी बहुत ही अच्छा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे लग रहा बस बारिश अभी शुरू हो जाएगी ऐसा लग रहा है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं लुलु मॉल और वहां पे हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। और आज हम लोग काफ़ी दूर निकल गए थे और लौटते लौटते देखिए अंधेरा भी हो गया है और लुलु मॉल में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे शॉपिंग सबके लिए और कपड़े वगैरह लेंगे बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी और अपनी सिस्टर इन लॉज के लिए भी, सबके लिए यहाँ पे आज हमको शॉपिंग करनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी से लग जाते हैं काम में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और शॉपिंग अपने लिए ज़्यादा करना टफ नहीं होता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी परचेज करते हो, तो उसकी पसंद नापसंद का ध्यान दे करके ही खरीदना पड़ता है। और आज एक को इंसिडेंट बहुत अच्छा हुआ। हस्बैंड जी भी ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं और मैं भी पहने हुए हूँ और मेरा और इनका फेवरेट कलर ग्रीन ही है, तो ग्रीन हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये चीज़ ना बिल्कुल कॉमन है और अक्षत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन एक टी शर्ट इसके पास भी है ग्रीन कलर की, तो अगर हम तीनों पहन लेते ना तो एकदम पूरे ग्रीन ग्रीन हो जाते। और यहाँ पे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम लोग इस मतलब ट्रेन में बैठेंगे, तो हस्बैंड जी लेके जा रहे थे इन लोग को ट्रेन में बिठाने और टिकट काउंटर उधर साइड है, तो हम लोग उधर से जाकर टिकट लिए और उसके बाद हम आ गए थे ऊपर। और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे शॉपिंग क्योंकि काफ़ी सारे शोरूम हैं और आज पक्का 10 बजने वाले हैं घर पहुंचने में, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने निकलते हैं स्पेशली मॉल्स में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। कुछ भी ड्रेस सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद उसको मतलब हम चेक करते हैं अपने ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, फिर साथ ही साथ फिटिंग वगैरह का भी इशू रहता है, वो सब चेक करना होता है और उसमें सब में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और 2-3 बार ट्रायल रूम में गए नहीं कि आपके 1.5-2 घंटे तो आराम से निकल जाने हैं। मॉल का व्यू दिखाते हैं आपको। भीड़ भाड़ है आज पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो हमें तो लग रहा था बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, लेकिन उतना रश है नहीं है। मतलब फिर भी ये बहुत बड़ा मॉल है तो इसलिए लोग ना पूरे फैल जाते हैं तो पता नहीं चलता रश, वरना अगर ये छोटा स्पेस होता ना तो एकदम भर जाता। लुलु मॉल बहुत ही बड़ा है और देख सकते हैं अभी बच्चे हस्बैंड जी सब इधर शॉपिंग हो चुकी है और अब हम लोग नीचे आएंगे और नीचे साइड भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ खरीदेंगे कुछ चीज़ें। तो अभी इस साइड से हम लोग नीचे जा रहे हैं और तो फाइनली यहाँ भी हमने कुछ शॉपिंग करी अक्षत के लिए और उसके बाद हस्बैंड जी भी बिलिंग काउंटर पे हैं, पेमेंट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और आद्या अपने लिए, जब तक मैं वेट कर रही हूँ तब तक आद्या अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर के बार बार आ जाती है और बोलती है कि मम्मा ये वाला मैं ले लूँ और मुझे ये वाला पसंद है ये वाला, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, सभी बच्चे और अब देर काफ़ी हो गई थी, हम लोग को भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, काफ़ी देर शॉपिंग करने के बाद ना भूख लग रही थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कुछ खाने पीने। और इतना बढ़िया मौसम देख करके ना हमारा अंदर बैठने का बिल्कुल मन नहीं किया किसी रेस्टोरेंट में। हम लोग यहाँ ओपन एरिया में एक रेस्टोरेंट ओपन रेस्टोरेंट है वहाँ पर बैठ करके अब हम लोग खा पी सकते हैं। तो बच्चों की फेवरेट पाव भाजी और डोसा हम लोगों ने ऑर्डर करा हुआ है तो वेट कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन
यहाँ पे टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे कि सच में मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही थी तो मन कर रहा था यहीं पे सो जाएं, इतनी ज़्यादा नींद भी हम लोग को आ रही थी। तो अभी बच्चों का स्नैक्स आ चुका है, पाव भाजी और डोसा, तो अभी चलिए हम लोग खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद देख सकते हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहे हैं। और चलिए फिर पेमेंट कर चुके हैं, घर चलते हैं और रात में फिर मैं आगे कोई ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया, ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है। मैं स्टेयर्स में यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और पूरे घर में मैं लगा चुकी हूँ, स्टेयर्स बस बची थी तो मैंने कहा चलो मैं स्टेयर्स में भी लगा देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मन मुताबिक काम करने में, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है जब मैं अपने हिसाब से अपने काम करती हूँ। तो देख सकते हैं अभी झाड़ू मेरी लग चुकी है और नीचे यहाँ पर आ गई हूँ, कार जहाँ पर पार्क है वहाँ पर भी लगा लेती हूँ झाड़ू वगैरह, तो साफ़ सफाई का काम हो जाए। तो आज मुझे बहुत सारे काम, या कहूँ कि मुझे बहुत सारे काम आज निपटाने हैं, तो बहुत सारे आज काम होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से पहले ये झाड़ू वगैरह का काम निपटा देती हूँ, फिर मैं अपना बैग वगैरह भी पैक कर लेती हूँ क्योंकि हम लोग को निकलना पड़ेगा ना, तो एक एक चीज़ याद करके रखना पड़ता है जब इतने बच्चे आपके साथ हों, तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, आप भले आप एक या दो दिन के लिए ही जा रहे हो लेकिन ज़रूरत तो आपको किन्हीं भी चीज़ों की पड़ सकती है। तो इसलिए फिर मैं ना थोड़ा थोड़ा करके जो भी मुझे समझ में आता जाता है मैं डालती जाती हूँ और मेरा ना इस तरीके से लास्ट मोमेंट तक बैग पैक होता रहता है। तो चलिए अभी मैं ऊपर आ गई थी, बच्चे यहाँ पर सो करके उठ गए थे, अक्षत स्कूल चला गया था तो यहाँ पर बेड शीट वगैरह फैली थी तो मैंने यहाँ पर उसको सेट किया पिलोज़ वगैरह को, और अब मैं को फोल्ड करके रख देती हूँ और मैंने बैग अपना बाहर निकाल लिया है और साथ ही साथ जो मुझे कपड़े वगैरह ले जाने हैं वो सब बाहर निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये सारा कुछ मुझे ले करके जाना है और इतना एक्साइटमेंट होता है इस फेस्टिवल का, रक्षाबंधन का, सच बताऊं कि मतलब हर कोई एक्साइटेड होता है। आप लोग हैं एक्साइटेड? मुझे तो लगता है कि हर लड़की रक्षाबंधन फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आज यहाँ पे मेरी मायके जाने की तैयारी होने वाली है तो बैग मैंने निकाल लिया है और सोचा कि चलो पैकिंग भी कर लेते हैं, सुबह सुबह ये काम भी निपटा लेते हैं क्योंकि अभी सुबह टाइम गर्मी भी कम होती है। फिर भी देखिए ना, मैं काम करके आई हूँ ना तो पसीने पसीने हूँ, तो अभी रूम में आ गई हूँ, आराम से एसी ऑन कर दिया है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ये काम भी मेरे हो जाएंगे पैकिंग वाला। तो इसमें सारे मेरे सूट हैं ये देखिए, तो इनकी स्टिच करने के लिए इनको मैंने मायके में ही दिया था, वहाँ पे बहुत अच्छा स्टिच करती हैं चाची हमारी, तो उन्हीं को दिया था तो उन्होंने अच्छे से स्टिच इस बार नहीं किया है तो वापस मैं लेके जाऊंगी और उनसे फिटिंग वगैरह करवाऊंगी। और उसके बाद मैंने क्या क्या परचेज़ किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, एक कुर्ता मैंने ये लिया हुआ है, बड़ा बढ़िया सा कुर्ता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, कलर बहुत प्यारा है। तो एक ये कुर्ता लिया हुआ है और एक ये कुर्ता लिया हुआ है, ये मैंने खुशी के लिए लिया हुआ है, मेरे एक मामा की बेटी है खुशी, उसके लिए मैंने ये कुर्ता परचेज किया है। और ये कपड़े मैंने जस्सी के लिए लिए हैं, जीन्स और टी शर्ट है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना होता है जब साल भर में आप एक बार ही जा रहे होते हैं। और ये कपड़े मैंने ओजस के लिए लिए हैं, तो ये टी शर्ट है, पैंट है, ओजस के लिए लिया है, येलो और रेड टी शर्ट है और साथ में ये पैंट है येलो एंड रेड। और एक दूसरा वाला कहाँ गया भाई, यहीं पे तो था। और एक सेट ये वाले हैं, ये पैंट है और साथ में ये टी शर्ट है, तो ये मैंने ओजस के लिए ऑनलाइन, तो यहाँ पे उसको रिसीव हो गई, तो ये फ्रॉक आधे की है। और आपको दिखाती हूँ मैं, है इस टाइप से, थोड़ा सा पैंट स्टाइल ही है ये, तो ये पैंट है और ये दुपट्टा है ग्रीन कलर का और ये है कुर्ता, तो ये है नायरा सूट और ये साथ में पैंट। ये ड्रेस मैंने सानवी के लिए लिया है,
गुड़िया दीदी की बेटी है सानवी, उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। ये बहुत प्यारा है। तो ये मैंने सूट अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया हुआ है, और ये वाला भी, ये मतलब ये इसका पैंट है एंड ये कुर्ता है, और ये है इसका ग्रीन कलर का दुपट्टा, और ये प्रॉपर ग्रीन नहीं है, मेहंदी ग्रीन है, तो इसलिए बहुत ही प्यारा सा सूट ये लगेगा। और यहाँ पे मम्मी भी काफ़ी कुछ सामान भूल गई हैं, अपना ब्लाउज है, टिफ़िन बॉक्स है, इवन बैंगल्स भी वो भूल गई हैं। तो जो जो उनका भी सामान मुझे याद आता जा रहा है ना, वो मैं सासू माँ का रख ले रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला भी था कि मेरा सामान ना पहले से ही रख लेना। तो पहले दिन तो मैं नहीं रख पाई हूँ, लेकिन आज मैं उनका जो भी मुझे याद आ रहा है सब कुछ मैं उनका रख ले रही हूँ। तो चलिए फिर, अभी मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो ही गई है, और अभी बच्चों के डेली वेयर के कपड़े वगैरह रखने हैं। जैसे रात में रुकेंगे तो एक दो दिन ही रुकेंगे, लेकिन एक दो सेट हम मुझे उस टाइप के कपड़े भी रखने हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए जो लिया था वो आप लोगों को दिखाया ही नहीं था, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो रेड कलर का ये कुर्ता है, टमाटर रेड कलर का, एंड साथ में है ये प्लाजो। तो ये सूट मैंने अपने लिए, फ्रेंड्स आपको मेरे मायके के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।